जब फर्स्ट स्टेप पे आपने काम करना शुरू कर दिया, राइट, यानी कि आपने अपने गोल्स को लिखना शुरू कर दिया, आपने अपने गोल्स की लिस्ट बनाना शुरू कर दी, और ये सिर्फ करियर के लिए नहीं है, आप अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए क्या बना सकते हैं, गोल्स बना सकते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में क्या गोल्स चाहिए, आपके हेल्थ गोल्स क्या है, आपके रिलेशनशिप गोल्स क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपके करियर के गोल्स क्या है, तो बहुत सारे तरह के गोल्स आप बना सकते हैं, राइट, गेटिंग दिस क्लैरिटी। तो आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि आपके पास हमेशा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई ऐसी डायरी होनी चाहिए जिसमें आपके ड्रीम्स और गोल्स क्या होने चाहिए, लिखे होने चाहिए। कहते हैं रिटन गोल्स हैव मैजिकल पावर, क्या कहते हैं, रिटन गोल्स हैव मैजिकल पावर। तो ये मैजिकल पावर कब काम करेगी, जब आप अपने गोल्स को क्या करेंगे, लिखेंगे। मैक्सिमम लोग अपने गोल्स को लिखते नहीं। देखो मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि 5% लोग क्या करते हैं, 95% लोग क्या करते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल अपनी जिंदगी में एक साल में कुछ खास ग्रो नहीं करता है, या नहीं, यस और नो, यस सर। लेकिन एक कॉर्पोरेट, एक अच्छी कंपनी अपने नेक्स्ट ईयर तक पहुंचते पहुंचते ग्रो कर जाती है, पता है नहीं होता है, नहीं होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो कंपनी अपने ईयर को एडवांस में प्लान करती है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे कहां पहुंचना है। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ रहे हैं। और एक बात बहुत ध्यान से समझना, गोल्स पूरे तब होते हैं जब गोल से क्या होता है, प्यार होता है। एग्जैक्टली, यानी कि गोल्स कब पूरे होते हैं, जब हमें अपने गोल से क्या होता है, प्यार होता है, इमोशनल कनेक्शन होता है। जब आपकी गोल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब रात में आप सोते हैं तो उन्हीं थॉट्स के साथ सोते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो उन्हीं थॉट्स के साथ उठते हैं, फिर वो गोल्स आपकी जिंदगी में क्या बन जाते हैं, रियल बन जाते हैं, वो आपकी जिंदगी में रियलिटी में कन्वर्ट। गेटिंग दिस क्लैरिटी। तो जब भी आप अपने गोल्स को देखें तो आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, आई लव यू, क्या आनी चाहिए आवाज, राइट। तो आप अपने गोल्स को देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, मिरर में अपने गोल्स लिख देते हैं, और वो सुबह उठते हैं और मिरर में अपने आप को देखते हैं और वो कहते हैं, अपने गोल्स को देखते हैं, कहते हैं आई लव यू, आई लव माई गोल्स, मुझे अपने गोल्स चाहिए ही चाहिए। और जब इतना अंदर से पैशन होता है तो फिर आपके गोल्स जरूर पूरे होते हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी। तो क्या होना चाहिए गोल्स के साथ, क्या होना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। अगर आपके गोल्स आपको इमोशनली अटैच नहीं है, आपके साथ कनेक्ट नहीं होते, तो आप अपने गोल्स के लिए काम नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि जिस चीज के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है उस चीज के लिए आप ऑटोमेटिकली काम करने लगते हैं। आप किसी को पसंद करते हैं और वो पर्सन आपसे मिलने आने वाला है तो एक एक सेकेंड एक एक घंटे के बराबर बीतता है, क्यों, क्योंकि आप उसके साथ क्या है, बहुत ज्यादा अटैच है, राइट। तो ध्यान से समझिएगा, आपके गोल्स के साथ अगर आपका ऐसा अटैचमेंट है कि वो आपको ये फीलिंग देते हैं कि आपके गोल्स तक जब तक आप नहीं पहुंच रहे, आपके लिए वो जर्नी आपको लग रहा है कि कितना लंबा ड्यूरेशन है, मुझे वो गोल्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है, जब ये फीलिंग आपके अंदर आ जाती है फिर आप अपने गोल्स के लिए डेस्परेट हो जाते, फिर आप अपने गोल्स के डायरेक्शन में आगे बढ़ते। तो आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए अपनी जिंदगी में कि वो आपके माइंड के अंदर पूरी तरीके से प्लांटेड, जब आप रात में सो रहे हैं तो आपके माइंड में वो विजुलाइजेशन होना चाहिए, जब आप सुबह उठ रहे हैं तो विजुलाइजेशन होना चाहिए। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रहा है। कोई साइंटिस्ट जब कोई इन्वेंशन करता है तो क्या होता है, उसके माइंड में हमेशा क्या चलता रहता है, वही अपना टारगेट, वही अपना इन्वेंशन, वही उसके माइंड में चलता रहता है, और इसीलिए फिर वो क्या करता है, सारी दुनिया कहती है कि ये नहीं हो सकता, फिर भी वो पर्सन वो कर ले जाता है, क्यों, क्योंकि उसका माइंड पूरी तरीके से उसमें क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, गोल्स। और आज मैंने आपसे लिखवा लिया है, आपने लिखा है, राइट, इसे संभाल के रखना अपने पास। मेरे पास अभी भी मेरी वो डायरी है जिस डायरी में मैंने बहुत सालों पहले अपने बहुत सारे गोल्स लिखे थे, अराउंड 22-23 गोल्स ही मैं उस समय सोच पाया था जो मैंने लिखा था, और मुझे लगता है कि उसमें से 90-95% आज तक पूरे हो गए, राइट। और सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे तब होता था कि जब उस डायरी को मैं कभी 2-3 सालों बाद भी करता था और फिर से गोल्स की लिस्ट देखता था तो मुझे याद भी नहीं होता था कि इसमें से कितने सारे गोल्स और लिखो। गेटिंग दिस क्लैरिटी। इसीलिए कहते हैं वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि रिटन गोल्स हैव मैजिकल पावर। रिटन गोल्स में क्या होता है, मैजिकल पावर, आपको उस मैजिक को, उस पावर को यूटिलाइज करना।